एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की वचन पत्र समिति की बैठक को छलावा समिति बैठक बताते हुए जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा से लेकर नेताओं की जिम्मेदारियों पर सवाल करते हुए कहा कि इनकी सारी यात्राएं और जिम्मेदारियां कागजी हैं। जनता के सामने कांग्रेस का नकाब उतर चुका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस की वचन पत्र समिति की बैठक को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छलावा समिति की संज्ञा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कई नेताओं को इसको लेकर जिम्मेदारियां दी है, जिन्हें नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सब कागजी पुलंदा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की यात्राओं पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस ने जितनी यात्राओं को हरी झंडी दिखाई थी उनका हश्र क्या हुआ। जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर चुका है। वो वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। मैंने समाचार देखा, उसमें उन्होंने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी है, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उन्होंने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे, अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्होंने स्वीकार कर ली। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं, वचन पत्र के नाम पर वो करते हैं, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, गेम ओवर हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये छलावा है, छलावा समिति की बैठक। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आना नहीं है, लेना देना कुछ है नहीं, सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी पुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो, सिर्फ ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं, तारीखें चेंज होंगी, बाकी तो सब पुराना है। वो देने मानता कौन है उनकी, जिनके आपने नाम लिए, अजय सिंह जी के, अरुण यादव जी के, आपको कहीं देखे क्या मध्य प्रदेश में प्रभास? जब कमलनाथ जी खुद ही नहीं जा रहे तो कोई क्या जाएगा? कागजों की जिम्मेदारी है, कागजों पे देते हैं, कागजों पे एक दिन की यात्रा होती है। अभी तक एक दर्जन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई उन्होंने, सतना में भी और बाकी जगह पे भी, बाल आयोग, बाल कांग्रेस तक। आप बता दो एक भी यात्रा कहीं नजर आई हो नक्शे में? पहले दिन जिस दिन वो झंडी दिखाते हैं उस दिन तो दिखती है, उसके बाद कहां विलुप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता। रानी कमलापति के लिए कांग्रेस के बयान की भी नरोत्तम मिश्रा ने निंदा की और कहा इसके लिए कांग्रेस और कमलनाथ को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। रानी कमलापति को कमलनाथ जी आपने फर्जी बताया, आपका गला नहीं रुदा उस वक्त? भारत मूल की एक जनजाति की महारानी को आप फर्जी बता रहे हो, इससे आदिवासियों के बारे में कांग्रेस का और आपका सोच समझ में आता है। आपको सिर्फ असली इटली की महारानी नजर आती है, दूसरे नजर नहीं आती। और सोनिया गांधी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो कमलनाथ जी के मत से सहमत है कि असहमत है, जो कि रानी कमलापति जी को फर्जी बता रहे। मैंने भी बयान सुना, मैं निंदा करता हूं इस बयान की, घोर भर्त्सना करता हूं, जिस तरह से कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है रानी कमलापति जी के बारे में, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक।